और इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार से। जी हां, उपद्रवी पर लगातार दरभंगा पुलिस नकेल कसने के लिए तत्पर है, तो वही अभी तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार दरभंगा में जो देखने को मिला था, पहले तो शिवधारा तो दूसरा कमतौल, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, तो वही सरकारी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं उपद्रवी तत्व के लोग। जी हां, दरभंगा के एसएसपी लगातार एक्शन मोड में हैं। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए ठोस कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के विरुद्ध अगर जांच में मामला सत्य पाया जाता है तो चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट से संबंधित कागजात एवं जो लोग सरकारी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी श्री कुमार ने कहा है कि मब्बी ओपी के शिवधारा और कमतौल थाना क्षेत्र के धर्मपुर मालपुर गांव में उपद्रवियों द्वारा उपद्रव मचाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है और इसी बीच कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 13 लोग मब्बी ओपी के हैं, दर्ज मामले में गिरफ्तार हुए हैं, तो वही 8 लोगों की गिरफ्तारी कमतौल थाना क्षेत्र में जो घटना घटी थी उसमें की गई है। शिवधारा मामले में कुल 70 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसएसपी ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी सूचना तुरंत ही स्थानीय थाना पुलिस या फिर वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दे। एसएसपी ने कहा है कि दोनों घटनाओं में पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। उन्होंने कहा कि कई मोबाइल धारक भी वीडियो बनाए हुए हैं, अगर कोई तो वीडियो स्थानीय लोगों के द्वारा अगर पुलिस को उपलब्ध कराने की चेष्टा करे ताकि एक भी उपद्रवी बच नहीं पाए। दोनों जगह पर हुई इस घटना में पुलिस के साथ साथ आम लोग भी जख्मी हुए थे, गाड़ियों की क्षतिग्रस्त हुई थी। इस घटना में दोनों घटनाओं में घटना स्थल को देखने से यह प्रतीत होता है कि अचानक इतने रोड़े पत्थर आखिर आ कहाँ से रहे हैं, कहीं यह घटना प्रायोजित तो नहीं है, या तो ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए रोड़े पत्थर पहले से जमा कर रखे हैं तो नहीं जाते ताकि घटना करने के लिए यह रोड़े पत्थर उनका हथियार बन सके। वही आपको बताते चले, सड़क पर अक्सर देखा जाता है कि गिट्टी तो मिलते हैं लेकिन रोड़े पत्थर नहीं रहते हैं। खोजने पर वही सड़क पर ईंट के टुकड़े ज़्यादा ही मात्रा में दिखाई दिए थे शिवधारा में। इस पूरे मामले को लेकर के बारीकी से जांच हो रही है, जल्द ही बचे उपद्रवियों की गिरफ्तारी होगी। तो इस बीच बड़ी खबर दरभंगा एसएसपी से निकल कर आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? जो लोग भी अफवाह फैलाएंगे उन पे जो कानूनी कार्रवाई है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ मीडिया चैनलों ने भी चलाया था न्यूज़ को, उस पर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे उसका खंडन भी किया है। उनके जो लोकल रिपोर्टर हैं उनसे हम लोग लिखित में मांग भी रहे हैं कि किस आधार पे आपने ये न्यूज़ चलाया था। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी और आगे भी हम लोग अपील भी किए हैं, फिर से करते हैं आप लोग के माध्यम से कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, और अगर किसी की बात में आपको डाउट होती है कि इस बात में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो मेरा कहना है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा शांति को मिलनी चाहिए। आप उस न्यूज़ को ऐसे इंटरप्रेट करें जिससे शांति बहाल हो सके। आप एक चीज़ को दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आप इंटरप्रेट वैसे करें कि शांति और भाईचारा बहाल हो। आप उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करें जिससे अशांति फैले और वैमनस्य का माहौल कायम हो। तो हमेशा ही प्रेफरेंस लोगों को देना चाहिए पीस को, हारमोनी को, और यही हमारी अपील है। अफवाहों से दूर रहें, हम लोग सब पे नज़र रखे हुए हैं। जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन सब पे कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है? अभी स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग खुद सुबह 5 बजे तक थे वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में और छापेमारी सभी जगह हो रही है। सभी जगह स्थिति अभी पीसफुल है। उम्मीद है कि हम लोग आगे इस पीस को, इस हारमोनी को बनाए रखेंगे। घटना में किसी पे एफआईआर भी हुआ है? नहीं, पुलिस सॉफ्ट, हमें मारपीट तो करना नहीं। आप लोग कल थे वहाँ पे, देखा, हम तो किसी के साथ हम लोग कोई ऐसा एबव लॉ तो हम लोग भी नहीं है। जितना हम लोग को लॉ अलाउ करता है उतना हम लोग फोर्स यूज़ कर सकते हैं, उतना ही करेंगे हम लोग। तो जहाँ पे हमें सॉफ्ट होना है वहाँ सॉफ्ट होंगे, जहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट होना है वहाँ पर स्ट्रिक्ट होंगे। मेन है उनको कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए, वो हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उसमें हम लोग सजा करवाएं। सर, जो स्थितियाँ थी उसमें लाठीचार्ज तक नहीं हो पाई, अपने आप में
हमने कहा कि जहां जैसी स्थिति है, हमारा पहला रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बनाए रखा जाए, स्टेटस को जैसा था वैसा बनाए रखा जाए। उसके लिए जितनी आवश्यकता होती है ऑन द स्पॉट जो ऑफिसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमको किस एक्सटेंट तक फोर्स को यूज़ करना है। लोग करते हैं अपने विवेक के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। पोस्टमार्टम करना हर चीज़ का आसान होता है कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, गोली भी चलाई जा सकती थी, ये भी किया जा सकता था, बट जो अफसर वहाँ फील्ड में होता है उसको डिसाइड करना होता है उस टाइम पे, और जो उसके विवेकानुसार लगता है उसको सही है उतना हम लोग कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। सर, लगता है कि पुलिस अगर मौके पर समय से पहुंच गई तो घटना को टाला जा सकता है? जैसा लोगों ने बताया पुलिस बहुत विलंब से पहुंची, आपने भी बोला था कि हम जांच करेंगे, क्या कुछ इसमें आया? देखिए, अभी वो भी एक जांच का विषय है, कल भी हमने कहा था उस पर भी हम लोग जांच करें, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि त्यौहार अच्छे से निकल जाए और जो लोग इस घटना में दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद जो भी इसका कारण होगा उस पर हम लोग करेंगे समीक्षा और उस पर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। नामजद अभियुक्त भी किन्हीं पे FIR भी हुआ है सर इस घटना में? 70 लोगों पे नेम्ड FIR हुआ है और उसमें से 13 लोगों की अरेस्टिंग हुई है।